प्रेजेंटेड बाय पतंजलि रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कार्यकाल पूरा करेगी, तब भी यह झूठ फैलाते रहना टेट्रोलॉजी है कि बीजेपी बीच में ही अपना मुख्यमंत्री बनवाना चाहती है। मुख्यमंत्री को लेकर निराधार अटकलबाजी जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है, यह कहना है बीजेपी के राज्यसभा सांसद एवं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी का। इन दिनों बिहार की सियासत को लेकर तरह तरह की अटकलें सामने आ रही है। सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चा है कि बीजेपी अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पद से हटा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन हाल ही में सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर हुई रोजा इफ्तार पार्टी में शामिल होकर सीएम नीतीश कुमार ने अपने पहले ही दाव से बीजेपी को बैकफुट पर आने को मजबूर कर दिया। बिहार में बदलाव की सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए सुशील मोदी का बयान सामने आया है कि 2025 तक नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री। आखिर क्या है पूरा मामला और सुशील कुमार मोदी ने क्या क्या बयान दिया है, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए चेहरा हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर कई बार खुद नीतीश कुमार भी इशारा दे चुके हैं, लेकिन कई बार वो खुद ही इससे इनकार भी कर चुके हैं। वहीं कई बार जेडीयू और बीजेपी की ओर से इसको लेकर कहा भी गया कि बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया है और वो यही रहेंगे। इस बीच बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने इन तमाम अटकलों को लेकर अपना बयान साझा किया है। मोदी ने ये दावा किया कि बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही अपना कार्यकाल पूरा करेगी। राज्यसभा सांसद एवं बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को बयान जारी कर कहा कि जब प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कई बार अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार में एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही कार्यकाल पूरा करेगी, तब भी यह झूठ फैलाते रहना टेट्रोलॉजी है कि बीजेपी बीच में ही अपना मुख्यमंत्री बनवाना चाहती है। मुख्यमंत्री को लेकर निराधार अटकलबाजी जारी रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस शरारत का कुछ असर विधानसभा के पोछा उपचुनाव पर भी पड़ा होगा। हालांकि कई मौकों पर बीजेपी के कई नेता एवं कार्यकर्ता ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की जगह अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। सुशील मोदी ने अपने बयान में आगे कहा कि बिहार विधानसभा का 2022 का चुनाव एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मांगते हुए लड़ा था, जिस पर प्रदेश के लोगों ने भरोसा किया और हमने जीत हासिल की। सुशील मोदी ने कहा कि जब एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करने का जनादेश 2025 तक के लिए है, तो फिर किसी किंतु परंतु के साथ बीच में बदलाव का कोई सवाल ही नहीं बनता। इस दौरान सुशील कुमार मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि विपक्ष के पास नीतीश सरकार के विरुद्ध न कोई ठोस मुद्दा है, न ही सदन में संख्या बल है और न लालू राबड़ी राज की विफलताओं के कारण उनके पास आलोचना का कोई नैतिक बल है। फिर भी वे अजीबोगरीब बयान देकर प्रदेश की जनता को बहलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। साथ ही वे नीतीश कुमार के पद से हटने की तरह तरह की बेतुकी अटकलों को हवा देकर सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम आवास से पैदल ही चलकर कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार का गेट पर जोरदार स्वागत किया, तो वहीं कार्यक्रम में मौजूद लालू के बड़े लाल तेज प्रताप और चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात कर कई बातें साझा की थी, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो बिहार। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।